जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, और खास होने की ऐसी ऐसी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनको सुनकर शायद आप जरूर सोचेंगे कि ये चीज़ अगर हमें पता होती तो शायद हम अपने जीवन में कुछ और ज़्यादा बेहतर कर पाते। मेरा ये जो वीडियो है ये राशि पर आधारित है, यानी हम जो गोचर देख रहे हैं ये चंद्र राशि के आधार पर देख रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थितियाँ कैसे आपके जीवन में कुछ बेहतर कर सकती हैं, कैसे आपके जीवन में किस्मत को अच्छा कर सकती हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसी सावधानियाँ हैं जिनको रखकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपकी जो राशि है वो है मीन राशि, और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति है। जहाँ बृहस्पति है वहाँ विवेक समझदारी तो है ही है, धर्म आचरण संस्कार तो है ही है। यानी ऐसे लोगों के भीतर इस प्रकार के गुण देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की बारहवीं राशि है, और बारहवीं राशि धर्म की, अर्थ की, मोक्ष की, धर्म की राशि, इनकी राशि कहलाती है। यानी कहीं ना कहीं इस ऐसे व्यक्ति के भीतर इस प्रकार के विचार हैं कि भी मन से बड़े साफ हैं ऐसे लोग, मन से किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, ऐसे इस प्रकार का इनका मन है, इस प्रकार से ये द्रवित है। शायद इनकी इन स्थितियों से जो व्यक्ति परिचित हो जाता है तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या भावुक हो जाता है, या कुछ लोग इनकी इन्हीं वजह से इनका फायदा भी उठाते हैं। तो एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में अगर आपको ग्रहों से रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं गोचर हमें अच्छा रिजल्ट दे, हमारे मुख्य ग्रह हमें रिजल्ट दें, तो अपने भीतर से जो इमोशनल स्थितियाँ हैं उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप इमोशनली किसी भी भाव में बह जाएंगे और आपके ऊपर कोई ना कोई चीटिंग कर जाएगा, या आपसे लाभ ले जाएगा, या फायदा आपका होना है फायदा उसका हो जाएगा, और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। इन बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, वो है शनि की साढ़ेसाती। कि चंद्रमा से बारहवें घर में शनि आ गया है, कहीं ना कहीं इसने आपकी अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ आपको दी हैं, कहीं ना कहीं आपके खर्चे लाइफ में बढ़े हैं, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर खर्चे हावी होना शुरू हो गए हैं, अनिद्रा हो रही है, नींद पूरी तरीके से नहीं आ रही, मानसिक स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, पैसे को लेकर या हेल्थ को लेकर चिंताएं, परिवार को लेकर चिंताएं मन में हैं। शनि वक्री हुए, जैसे वक्री हुए तो कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज़ आया, खर्चे बढ़ गए, कुछ नुकसान की स्थितियाँ भी नज़र आईं। शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे, ये आपके लिए पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि शनि के वक्री से मार्गी होने पर फायदे जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है अगर राशि से खराब स्थानों में ग्रह वक्री होता है तो वो नुकसान देता है, उस भाव से संबंधित नुकसान देता है। अब बारहवां घर खर्च का है, नुकसान का है, व्यर्थ की यात्राओं का, यात्राओं की खर्च का है, कि एक तरफ खर्च होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, उसके प्रति चिंता बढ़ती चली जा रही है, तो वो चिंताएँ अब कुछ कम होने वाली हैं, हेल्थ इश्यूज कम होने वाले हैं, दवाई गोली पे पैसा कम खर्च होने वाला है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके सॉर्ट आउट या सुधरने वाली है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला आराम कहीं ना कहीं शनि से मिलेगा, इसमें मैं खर्च और स्वास्थ्य इन दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों का वास्तव में आप लोगों पर असर ज़्यादा पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, आर्थिक स्थितियाँ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम तो देने वाला है, और 4 नवंबर को ग्रह मार्गी होगा तो उसकी सीधी चाल चलेगी, यानी इन चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी बननी शुरू हो जाएगी। बारहवें घर से बैठकर भाग्य स्थान पर शनि की दशम दृष्टि बताती है कि अब मार्गी होकर शनि की दृष्टि बताएगी, अगर आप अपने भाग्य को घर से दूर ले जाना चाहते हैं, घर से दूर से जुड़ना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिए, आपके ये प्रयास सफल होंगे, आपको यहाँ से किसी ना किसी तरीके से फायदा अवश्य मिलेगा। तो ये था वो पहला परिवर्तन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि के मालिक है बृहस्पति, जो दूसरे घर के अंदर तो हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भी मैं चाहता तो हूँ देना, लेकिन मैं राहु की वजह से नहीं दे पा रहा, क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु राहु का योग बना हुआ है। ये गुरु चांडाल योग आपके मन मस्तिष्क को शांत नहीं रहने देता, आपकी भाषा शैली को खराब कर सकता है, आपके नियम अनुशासन को बिगाड़ सकता है, आपकी बोलचाल को खराब कर सकता है, आपके खान पीन का रवैया बिगाड़ सकता है, आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, आर्थिक समस्याएं देने में सक्षम है। क्योंकि राहु अगर दूसरे घर में बैठा है तो गुरु भी दूसरे घर में है,
और दोनों ही प्लैनेट आपके 10th हाउस को देखते हैं। यानी बृहस्पति अपने कर्म प्रोफेशनल लाइफ को सुधारना चाह रहा है अपने भाव को देखकर, लेकिन पीछे पीछे राहु की दृष्टि भी यही देख कह रही है कि भैया ये राहु की जो दृष्टि है ये 10th हाउस को प्रॉब्लम दे रही है। यानी धन भाव को भी पीड़ित कर रहा है राहु, और प्रोफेशनल लाइफ यानी प्रोफेशन के भाव दोनों को पीड़ित कर रहा है। अब जब वो धन और प्रोफेशन दोनों को पीड़ित करेगा तो भैया राहु से जब तक मुक्ति ना मिले ना, तब तक हम ये कह सकते हैं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 30 अक्टूबर 2023 के दिन ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि राहु वहाँ से निकल जाएंगे। फिर बृहस्पति कर्म भाव राशि के मालिक होकर सेकंड हाउस में होंगे, यानी ये आपके धन के लिए, आर्थिक स्थितियों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हेल्थ सम्मान के लिए, नौकरी व्यापार के लिए शुभ, क्योंकि राहु से दूर हो जाएगा। जैसे ही राहु से दूरी बनेगी, बृहस्पति अकेला अकेला राशि का मालिक धन भाव में, धन का कारक होके मित्र मंगल की राशि में है, यानी बृहस्पति के अंदर कितनी सारी पॉजिटिविटी आ गई। राहु आएगा राशि के अंदर, और राशि के अंदर गया हुआ कोई भी प्लेनेट हो वो कभी नुकसानदायी नहीं होता, क्योंकि राहु को कहा गया है राहु या केतु केंद्र और त्रिकोण भावों में आए तो वो ट्रांजिट कहीं ना कहीं शुभ फलदायी हो जाता है। यानी आप तीन प्लेनेट तीनों अलग अलग राशियों में, शनि मार्गी होकर 12वें घर में रहेंगे, राहु आपकी राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति यहाँ होंगे, लेकिन जब राशि में राहु आएंगे और एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा आपको मेंटल पीस चाहिए, थोड़ा सा आप मानसिक स्थितियों को बेहतर बना के रखें, थोड़ा सा पजल ना हो, भ्रमित ना हो, इमोशनल ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली होना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति अगर आपके 6th हाउस को दृष्टि देंगे तो आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कर्ज है, लोन्स है या EMIs हैं, उनको लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जो वो सब स्थितियाँ सॉल्व होंगी और आपके लिए सही होंगी। 31 दिसंबर 2023 के दिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, ये तीसरा और बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के लिए होगा कि आपकी ही राशि के मालिक बृहस्पति सीधा चलना शुरू करेंगे। यानी 30 अक्टूबर 4 नवंबर और तीसरी तारीख है 31 दिसंबर जिसमें बृहस्पति मार्गी होकर राशि का मालिक, मार्गी यानी धन के लिए बेहतर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर, सोशल लाइफ के लिए बेहतर, मान सम्मान के लिए बेहतर, नौकरी व्यापार के लिए बेहतर, यानी ये तीन परिवर्तन आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बेहतर देने शुरू होंगे। और आप ये नोट कर लेना तारीख है, पहले 30 अक्टूबर आएगी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, फिर 4 नवंबर आएगी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, 31 दिसंबर आएगी और रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये समय आगे चलेगा वैसे वैसे आपकी रिलीफ की स्थितियाँ बढ़ जाएंगी, और आप इसको नोटिस कर लेना कि आपको अवश्य ही इन तारीखों के बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो गोचर ये सिद्धांत पर आधारित है। हम यहाँ राशि से गोचर देख रहे हैं, हम आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं कर रहे, इसलिए इस बात की गलतफहमी अपने मन में नहीं रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वो विशेष जानकारी जो अवश्य ही मीन राशि के जातकों के जीवन में कुछ खुशियाँ देने के लिए आ रही है। जय श्री राम।